हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज की वीडियो में आज एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं रिगार्डिंग मेडिकल सर्टिफिकेट। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं पीएफपी देने के लिए, आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि हमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेके जाना होता है। विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट के आपका पीएफपी खतरे में हो सकता है, और आपको शायद ये पता नहीं होगा। मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आईजीआई कॉलेज मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। तो उन्होंने एक अपना फॉर्मेट जारी कर रखा है। हर यूनिवर्सिटी का एक अलग अलग फॉर्मेट होता है, बट मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, सारे यूनिवर्सिटियों का जो पर्पज रहता है वो एक ही रहता है, और सारा फॉर्मेट अगर देखा जाए वो थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें कॉमन होंगी। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपना फॉर्मेट जारी कर रखा है। जब वेबसाइट पर जाएंगे आईजीआई कॉलेज की पर, तो ये पुराना अपलोड है, तो यहाँ पर आप जो है 2024 कर लेंगे, 2025 कर लेंगे और डिप्टो सेम टाइप करवा लेंगे इसको। बीएचयू में जाते हैं, जीजू में जाते हैं, एचएनबी में जाते हैं, तो ये जो है इसकी जो सारी चीज़ें जैसे आईजीआई डिपार्टमेंट फिजिकल, ये इसको हटा के कर देंगे तो सारी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर इस नेम लिखा हुआ है तो ये उसी यूनिवर्सिटी में जो वर्क करेगा, याद रखना इस बात को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना कोर्स, कौन सा कोर्स के लिए जा रहे हैं आप, नेम, कैंडिडेट नेम, एज, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पल्स, बीपी, वेट, आपका ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद यहाँ पर उसके बाद हाइट क्या है, चेस्ट सर्कमफेरेंस क्या है, सीबीसी की जांच क्या होती है, ये ब्लड की जांच होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है, करवा लेना सारे लोग। चेस्ट क्या है, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर फुला के जो भी है, एब्डोमन क्या होता है, आई कलर विजन, जो भी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है, और यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और एमबीबीएस डॉक्टर, वो भी गवर्नमेंट डॉक्टर होना चाहिए, याद रखना इस बात को। सिग्नेचर और मॉल, जिसको हम बोलते हैं सील, लगवा देना। उसके बाद ये आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। जब आप पीएफटी देने के लिए जाएंगे तो साथ में इसको लेके जाना, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वो भी लेके जाना, तभी आपकी एंट्री होगी। अदरवाइज आप झारखंड से आ रहे हैं, दिल्ली पहुँच रहे हैं, तो भगा देंगे, तो आप समझ सकते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम आपको होगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम को आपको फेस करना होगा। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से बोलना चाहूँगा कि ये अभी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लो सारी यूनिवर्सिटी, एक तो आईजीआई के लिए बनवा लो सेम जो फॉर्मेट है, बाकी सारी चीज़ें उठाकर जो है सारी यूनिवर्सिटी के लिए काम आ जाएगा ऊपर वाली जो है। तो मैं समझता हूँ सारे स्टूडेंट्स के लिए एक अपने आप में खुशखबरी है कि हमें इसके बारे में पता चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है, मैंने खुद पीएफटी से बाहर होते हुए देखा है, मैं आपको नहीं बता सकता, चाहे वो बीएचयू यूनिवर्सिटी हो, आईजीआई कॉलेज हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, ये सारी चीज़ें मेरे को अच्छी तरीके से पता है। तो इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया, और ये जल्दी आप बनवाएं और तैयार करके रख लें और पीएफटी की तैयारी करते रहें। और जल्दी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा रिगार्डिंग प्रेफरेंस एंट्री यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आईजीआई कॉलेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। जय हिंद।